गणपतये नमः। श्री गुरुदेव दत्त। नमस्कार मित्रों, प्रॉफिट 666 चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे। अगर आप मानसिक और शारीरिक दुर्बलता या बल और शक्ति की कमी महसूस कर रहे हो और अपने आप को अत्यंत कमजोर और शक्तिहीन महसूस कर रहे हो, तब आप इस वीडियो में बताए हुए अत्यंत सरल और आसान सकारात्मक ऊर्जा खींचने के मंत्र का जाप करके अपने मन और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा को खींच सकते हो और हर चीज का आनंद ले सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। इस मंत्र का जाप कोई भी स्त्री और पुरुष कर सकता है। यह एक स्वयं सिद्ध मंत्र है और इस वीडियो में मैंने इस मंत्र का जाप करने के अत्यंत सटीक तरीके के बारे में बताया है। इस मंत्र के साथ पूजा विधि या कोई भी अनुष्ठान जुड़ा हुआ नहीं है और यह मंत्र किसी भी देवी देवता को संबोधित नहीं किया गया है। अगर आप किसी भी बीमारी या भय, डिप्रेशन या आत्मविश्वास की कमी और इच्छा शक्ति की कमी से प्रभावित हो, तो भी आप अपने शरीर में सकारात्मक ऊर्जा आकर्षण करने के लिए इस मंत्र का जाप कर सकते हो। इस मंत्र की शक्ति से शत्रु बाधा, पिशाच बाधा या काले जादू टोने को भी खत्म किया जा सकता है। इस मंत्र का जाप कभी भी शुरू किया जा सकता है और साधक को एक संकल्प लेना है कि वह कुछ पूर्व निर्धारित दिनों के लिए इस मंत्र का हर दिन 11 माला यानी कि 1088 बार जाप करेगा। उदाहरण के तौर पर वह इस मंत्र का 7, 11 या 21 दिनों के लिए जाप कर सकता है, या अगर ऐसा करना उसके लिए संभव ना हो तो वह इस मंत्र को उठते बैठते, सोते जागते, काम करते वक्त जितना चाहे उतना बोल सकता है। निर्धारित दिनों के बाद वह इस मंत्र का उपयोग करके दुर्बलता, भूत बाधा या काले जादू टोने या अन्य किसी भी बुरी शक्ति जैसे कि शाप, हाय, बद्दुआ को नष्ट करने के लिए अपने दाहिने हाथ में एक कटोरे में थोड़ा सा पीने का पानी या थोड़ी सी विभूति यानी अपने पूजा घर में प्रज्वलित किए जाने वाली धूप या अगरबत्ती की राख लेकर उसको मंत्र के शक्ति से अभिमंत्रित कर सकता है। अगर वह पानी को अभिमंत्रित करेगा तो उसे वह पानी पी लेना है, या अगर विभूति को अभिमंत्रित करेगा तो उस विभूति का अपने माथे पर तिलक लगाना है। इस प्रयोग को साधक को अपने आप पर ही करना है क्योंकि यह उपाय दूसरे लोगों पर असर नहीं करेगा। अब मैं आपको मंत्र सुना रही हूं, कृपया ध्यान से सुनिए। मंत्र इस प्रकार से है। ओम ह्रीं शांति देही बलम देही। 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 अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रभु सबका कल्याण करेंगे।